बीते दिनों ही बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस श्रीदेवी का निधन हो गया था। श्रीदेवी के जाने से हर किसी की आंखें नम हो गईं। श्रीदेवी बिग स्क्रीन पर आखिरी बार फिल्म मॉम में नजर आई थी। मॉम के बाद श्रीदेवी जल्द ही करण जौहर के साथ काम करने जा रही थी। जी हाँ, करण अपनी फिल्म में श्रीदेवी के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन अफसोस करण का सपना पूरा नहीं हो पाया। बता दें कि करण शिद्दत नाम की फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने श्री को फाइनल किया था। इतना ही नहीं, अप्रैल से श्रीदेवी फिल्म की शूटिंग भी शुरू करने वाली थी। अब खबर है कि श्रीदेवी की जगह फिल्म में धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित नजर आ सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी से फिलहाल इसके लिए बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि माधुरी अगर फिल्म में होती है तो ये एक उनकी तरफ से श्रीदेवी को ट्रिब्यूट भी होगा। वहीं अगर ऐसा होता है तो एक्स कपल माधुरी संजय को लोग सालों बाद एक साथ एक फिल्म में देखेंगे। बता दें कि करण की इस मेगा बजट फिल्म में वरुण धवन और आलिया भट्ट मेन लीड में होंगे। इसके साथ ही इस फिल्म आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा भी होंगे। इनके अलावा संजय दत्त भी हैं। फिल्म में आलिया, वरुण और आदित्य का लव ट्रायंगल दिखाया जाएगा। अब इस स्टोरी लाइन में सोनाक्षी को क्या रोल दिया गया है, ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। ये फिल्म एक एक रोमांटिक ड्रामा के साथ पीरियड ड्रामा फिल्म भी होगी और फिल्म की कहानी पार्टीशन से जुड़ी है। फिल्म में वरुण और आदित्य एक दूसरे के भाई का रोल प्ले करेंगे, जिन्हें फिल्म में आलिया भट्ट से प्यार हो जाता है। फिलहाल देखते हैं कि आखिर क्या होता है।